सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रीनी की, आप लोग देख रहे हैं श्रीनी की ब्लॉग्स। आज चेस्ट का डे, चेस्ट वर्कआउट का है, तो आई थिंक आई विल शो यू आज चेस्ट वर्कआउट जो भी होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा, देखना पड़ेगा वहीं जाके, बिकॉज मेरा ट्राईपॉड जो है उसके जो बॉल हेड है वो लूज़ हो चुका है यार। और एक ट्राईपॉड से तो हमको कैमरा से वीडियो बनानी पड़ती है मेरे कैमरा से, और एक आईफोन से जो व्लॉगिंग मैं करता हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट सीन ये होता है कि जो दो ट्राईपॉड चाहिए होते हैं, एक दिवशिश के पास है, एक मेरे पास है। मेरे वाला जो उसका जो बॉल हेड है वो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से कि उस पर कैमरा नहीं लगेगा, तो कैमरा फिर हमको लगाना ही लगाना होगा या नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज सही तो स्टिल वो अच्छा लगता है ना, स्टिल फ्रेम अच्छे लगते हैं, बट अब देखो अब क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। उसी को बोलूँगा कि हैंड हेल्ड बना दे तू व्लॉग, थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगा आपको। लाइक मेरे को ऐसा लगा है भाई कि मेरी चेस्ट ग्रो होना तब शुरू हुई है थोड़ा अच्छी, और मैं मतलब फ्लैट वाली बेंच नहीं लगाता था, सीधा इंक्लाइन लगाता था, इंक्लाइन के बाद बाकी फ्लाई करता था, और या फिर लोअर प्रेस कर ली कभी कभी, बट जब से मैं फ्लैट मार रहा हूँ तो फ्लैट से आपको काफ़ी कुछ अच्छा ग्रो करने को मिलेगा भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि हर किसी की चेस्ट अलग अलग होती है। पहले मैंने मतलब बहुत टाइम से मैंने फ्लैट मारना ही बंद कर दिया था, सीधा इंक्लाइन इंक्लाइन मारते थे, बट इंक्लाइन भी अच्छी मसल है, बट मेरे हिसाब से जो मेरी चेस्ट का जो वो है ना, वो फ्लैट में ज़्यादा अच्छा आता है। फ्लैट में मेरी पूरी चेस्ट एक्टिवेट होती है फुल, तो मेरी चेस्ट का जो शेप है या जो मसल्स की इंसर्शन है वो फ्लैट बेंच पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस है आपको मिलेगी। क्या पता है किसी का लोअर चेस्ट से ज़्यादा इंगेज होती हो पूरी चेस्ट, एंड लोअर चेस्ट मार मार के ही पूरी चेस्ट डेवलप हुई हो, ऐसा भी हो सकता है किसी की इंक्लाइन होता होगा। इंक्लाइन तो मारना ही मारना है, बिकॉज इंक्लाइन से वो अच्छी शेप आती है, एंड डिक्लाइन से भी आती है, बट तो फुलनेस है ना वो फ्लैट से आती है मेरे भाई। तो अगर आपको भी ग्रो चाहिए, तो अगर आप भी मेरे तरह गलती कर रहे होंगे तो ये गलती मत करना। अब चलते हैं जिम, मिलते सीधे जिम में। ये क्या सी? Yes, sir. तेरे पे तो है। फिर से तू भयंकर तैयार शेयर हो के आ गया। अबे लोड़े क्या क्या चाहिए तुझे? ये लो सर, गिफ्ट आपका। थैंक यू सर। खुश हो? फ्री में ना? दिलाती होगी पूरी। फ्री में ना? हैं? फ्री में। फ्री में भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एकदम बढ़िया लेंस भी है। ये देख सिस्टम कैसा लग रहा है? क्या? क्या भाई? ये गिफ्ट लग रहा है। हैं? गिफ्ट लग रहा है किसी? हां, गिफ्ट है बता। है? सही ब्राउन है ये, देखा नहीं मैंने। देखना ये देख, ये अब दिखेगा, ये देख। ओ लाइट मार रहा है, शाइन मार रहा है। वाओ, तुझे कैसे लगते हैं ऐसे ये ब्रेसलेट्स वगैरह? सही लगते हैं। ये बीच वाली वाइब नहीं दे रहा? हां, गोवा बाली बाली यंग नहीं लगता है ऐसा? थोड़ा यंग इसी को हरावी लगता है, इसी को हरावी भाई। अभी मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, ये जैसे यूथ यूथफुल बहुत जवानी की निशानी है। ये किसके लिए लेटा रही तूने? तो ये सीट क्या करना चाह रहा था तू? तो इस सीट में इतने लेटा के तू तेल तूने ही लटाई हुई बेटा हो। मैंने क्यों लटाई? मुझे क्या बता, ये सीट गाड़ी तेरी है, मेरी थोड़ी है। अरे तू बैठता है ना उधर, मुझे तू ही तो बैठती है, और कौन बैठता है? अरे चल 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 चल, बकवास मत कर। यहाँ पता नहीं किस किसने गद्दी गर्म कर रखी है। तू अच्छे मेरा नाम बता रहा है, कहाँ से जा रहा है? क्या राइट से चलना? अगर तू भी भयंकर ही हो रहा भाई, आंटी को डरा दिया तूने। अभी आंटी उड़ गई थी बेटा रास्ते में। उड़ गई थी? मैं आंटी को उड़ाते हुए आ रहा है भाई। ओट्स और दूध खा के दोनों मेरा पेट ऐसा हो जाता ना भाई। अरे काब्स खा के यार ज्यादा भैंसे मुंह सूखता है। नहीं काब्स खा के है ना? हाँ, स्पेशली ओट्स खा के। क्यों? शुगर ग्लूकोज कुछ अच्छा रहता है, ग्लूकोज का सीन ब्लड स्ट्रीम में एकदम सोख देता है पूरा पानी बॉडी से, तभी मेरे दाने हो रहे शायद इतना पानी पी पी के भी। यार पानी की बॉटल में अभी हो रहा है पीछे। गाइस अभी हम जा रहे हैं, आपका म्यूटेंट कह रहा हूँ मैं, म्यूटेंट। चलो भाई हम वहाँ जा रहे हैं यार, थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर जा रहे हैं हम, सो चलते हैं यार थ्रिफ्ट में। कमेंट करके बताना भाई ये कैसा लग रहा है दिखने में।
देवशीष तो कुछ बोली ना खुल की कैसा लग रहा है? ठीक तो लग रहा है, क्या हो? मुझे तो बड़ा मेरे को मतलब ऐसी चीजें बड़ी मस्त लगती है पर मैंने कभी लिया नहीं खुद के लिए। इधर है ना, मेरे बस ख्वाहिश ही रह गई थी लेने की। ख्वाहिश तूने पहने कभी? गिफ्ट में पहना है मैंने, वैसे नहीं। वैसे खुद से नहीं पहना ना, गिफ्ट में सही लगते हैं भाई, है ना? खुद से लेके देखा। सही है फील इसकी, गिफ्ट वाले में ही सही फील है, प्यारी वाली। सो थ्रिफ्ट स्टोर जा रहे अभी कुछ सेकंड हैंड कपड़े लेने। सेकंड हैंड नहीं यार, थ्रिफ्टिंग करने चल रहे हैं आज। थ्रिफ्टिंग भी क्या वो करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसका नाम, मतलब प्रोडक्शन का माल भी आता है, प्रोडक्शन मतलब डायरेक्ट प्रोडक्शन। हाँ, वो स्टोर्स में नहीं ज़्यादा डिस्कार्डेड टाइप्स ना, हल्का फुल्का उसमें कुछ डिफेक्ट किसी किसी में रहता है, किसी किसी में भी रहता भी नहीं है, और बस जो है वो मिल जाता है हल्के में। आज ज़ारा ज़ूरा सारा ओनलियन सन सन सब कुछ। नहीं नहीं इसमें नहीं जाता, आज मैं तुझे दिखाता हूँ इसमें जाता हूँ मैं, मिलते थ्रिफ्ट स्टोर में। हॉस्पिटलियो ये राइट सूर्य सुबह भी सूर्य सूर्य में घुसा ले देवशीष अपना सिस्टम सिस्टम। सॉरी यार तेरे में मैं वो मार रहा हूँ टॉर्च है फ्लैश, इतनी पिंक लग रही है ना, पिंक गुलाबी और बढ़िया है भाई स्टूडियो में, सीरियसली 900 रुपए का हमने दो टेस्टर परफ्यूम ले लिए और दो टी शर्ट ले ली, वो भी जी फैड करो और मेरा करो सालसा। चले फिर अच्छी खुशबू है यार इनकी, पता नहीं मेरी वाली तो लड़कियों वाली लग रही है। देवशीष की गाड़ी के हाल देखो, पोटी पोटी हो रही है। असल की बढ़िया है, है? असल की बढ़िया दिखा भाई, असल चेंज कर ले फिर। हो गई खुश बहन चोद, क्या खुश हो गई, मैं क्यों खुश, खुश हो गई शॉपिंग करके। आपने शॉपिंग थैंक यू इनकी, थैंक यू श्री भैया जेन्युइन। जा तेरा बर्थडे गिफ्ट है। आते हैं चल हर हफ्ते, ठीक है हर हफ्ते आ रहे फिर। इसका बर्थडे, इसका इसका बर्थडे साथ में मैंने इसे बर्थडे गिफ्ट दे दिया है और एक परफ्यूम, ठीक है ओके 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 ओके। सो गाइस अब हम चलते हैं घर को, मील वील लेते हैं, जैसे ही मेरा पेट थोड़ा सा यू नो खाली होने लग जाता है ना, अंदर मेरे गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक चैम्बर फट जाता है। गैस्ट्रिक चैम्बर जो है गड़बड़, उसके लेवल जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो फटाफट चलते हैं एंड कुछ मील वील खाते हैं। पापा ने भी बोला था यार मिलने भी ले आई एक आधी टी शर्ट, बट सही यार 400 रुपए की तो वहाँ मिल रही थी और 400 रुपए की यहाँ भी मिल रही है, और यहाँ का थोड़ा क्वालिटी वाइज भी सही है, यहाँ का मुझे सही जेन्युइन सी। वो जीन्स में ले सकता हूँ यार, ऐसे तो तूने देखे नहीं है पहनते हुए, इतना तो नहीं देगा मैंने है नहीं देखा, बहुत ज्यादा लूज है क्या, बहुत है भाई वाइड प्रॉपर। एक होती है कार्गो फिट, समझ रहा है कार्गो, देखी नहीं है तूने ऐसी, मैंने तो देखी है, मेरे को तो काफी मतलब ऐसी लगी वो बिल्कुल ना कूल बिल्कुल, अरे मतलब अगर मैं पहन के निकलूंगा तो ऑकवर्ड 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 लगेगा क्या है, मैं जो समझेगा स्टाइल को लगेगा रेंजो भाई तू है कहां, ये भी तो देख अच्छी जगह में, मतलब मुझे अच्छा लगा यार वो स्टाइल करना किसी चीज के साथ, लाइक उस पर से वो सही लग रहा था मुझे, वो व्हाइट टी-शर्ट के साथ, वो व्हाइट टी-शर्ट भी थी ना वो भी के साथ, हाँ वो व्हाइट टी-शर्ट ना सेम मैंने ज़ारा में देखी, ज़ारा वाली तो और बढ़िया है भाई, मतलब ये ड्रॉप तो है पर ओवर साइज नहीं है, मतलब समझ रहे क्रॉप्ड और बैगी फिट नहीं है ना, वो नहीं है क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं यार उसे, बॉक्सी फिट नहीं है, बॉक्सी फिट होनी चाहिए टी शर्ट, बॉक्सी फिट ऐसी होती है ना नीचे से क्रॉप्ड होती है, सोल स्टोर के लिए नहीं भाई उनकी परफेक्ट है भाई, जो परफेक्ट कहते हैं ना ज़ारा वाली, देख दे अगर मैं लूंगा ना मैं दिखाऊंगा फिर, डिजाइन है उसमें प्लेन है, सिंपल प्लेन वाइट, वो गुंजा कोस्त्रा को देखे तुमने, अरे गुंजा को दिखाऊंगा मैं तुझे एक, तो उसने पहन रखी है वो उसमें, और उसने उसकी जो ड्रॉप वाली स्लीव है
यहाँ तक बोलने हैं, थ्री फोर्थ बोलते हैं शायद इसको, या फिर जो भी है फोर्थ, इसको फिर ऊपर कर रखा है फोल्ड हल्का सा। अरे जो मेरी जैकेट नहीं ग्रे वाली, तो गाइस मिलते हैं। हाँ दिखा क्या है ये, एंकर की थोड़ा सॉस और बॉइल्ड चिकन। इतना बुरा बुखार है भाई, हालत है। रो रहा है बेचारा, मजबूरी है कि मेरी। थोड़ा इसमें मसाले डाल ले भाई, थोड़ा दही ले ले, थोड़ा मसाले डाल ले, कुछ खाने के लिए बना ले, ऐसे खाने लायक। इससे ऐसा खा तो वो भी नहीं खाती मेरी, वही सामने उसे भी देगा वो भी इग्नोर मारेगी इसको। एंकर की सही में देन भी नहीं है। कितना किलो चिकन खाता है देवशीष तो एक दिन में? 270 ग्राम, 250 या 250 ग्राम चिकन से तेरा काम चल जाता है क्या भाई? भाई 16 अंडे भी तो है। 16 अंडे 15 क्यों नहीं किया तुमने? इतना किस में बैठ रहा था फिट? प्रोटीन वाइज। अच्छा और फिर और प्रोटीन ना, चार फोल्ड भाई मेन सोर्स यही है ना, दो चीज प्रोटीन का और दो सूप है और पनीर 100 ग्राम खा लेते हैं, अंडे में मिक्स कर दे। अच्छा उसको खिला रहा है क्या? आजा। कितना बड़ा दिल है देवा जी का, कितनी बड़ी टुकड़ी दी है इसने। टेस्टिंग करा रहा है क्या? टेस्टिंग करा रहा हूँ। ऐसे छोड़ा ना बेइज्जती हो जाएगी। खा लिया? खा लिया? गुड गर्ल, गुड गर्ल। खा लिया उसने? मुनी मुनी। हाँ खा लिया। क्या दिया तूने उसे? चिकन। अच्छा मैंने तो चावल का लौड़ा। चावल का तूने दिया नहीं, प्रोटीन इंटेक मेरा कम नहीं होना चाहिए क्या? एवरेज इन बॉय और डॉग लवर। सारा कैप्चर हो गए एनिमल अब्यूज, क्रुएल्टी बैच हो गया। तुम हो गया कोबस क्या हो गया? नहीं खाना हो रहा है। हैं साले हरामी क्या कर रहा है कि तू है चिरा चढ़ा के खा रहा है कि मुझे? हाँ हाँ ये है बिची, आपको जानते होंगे इसको। हो गया तेरा सिस्टम? हाँ मैं कपड़े निकाल दे भाई। असल कहा भाई? असल सालसा भाई, सालसा ट्राई करना भाई, इसकी काफी बबली सी स्मेल है। फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस। अच्छा पापा तो है नहीं यार, उसमें पॉलिसी देखनी पड़ेगी यार रिटर्न की। कब तक है? अगर मुझे साइज ऐसा लगा कि बड़ा चाहिए और हाँ वो चाहिए नहीं बड़ा खाने के लिए। परफ्यूम चाहिए? परफ्यूम चल ठीक है, ओके। सो गाइस कल मिलते हैं आपको, कल है बैक का वर्कआउट, अभी लेते हैं मील। बाय।